झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे के वार्ड नंबर 15 व 21 के मध्य लगे ट्यूबवेल के काम नहीं करने के चलते स्थानीय लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 15 के पार्षद यूसुफ अली ने मोहल्ले के लोगों की मांग पर टैंकर से पानी पहुंचाया। इस बारे में वार्ड के आबिद ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से घरों में पानी की एक एक बूंद का संकट चल रहा है। उसने जलदाय विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद कोई सुध नहीं ली जा रही है। टैंकर से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन जल्द से जल्द ट्यूबवेल को सही करवाया जाना चाहिए। वहीं पार्षद द्वारा सुध लेने पर वार्डवासियों ने आभार जताया है। मैं वार्ड नंबर 15 और 21 में पिछले तीन चार दिनों से पानी की मोटर खराब हुई है, तो अभी तक मोटर सही नहीं हुई है। वाटर वर्क्स की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है, उनको कह के थक गए हैं। और यहाँ पर घरों घरों में अब पानी की एक एक बूंद तक नहीं है, इसलिए यहाँ के वार्ड पार्षद घरों में पानी पहुँचा रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में पानी तो पहुँचा रहे। बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना मोटर ठीक हो रही है, ना और कुछ हो रहा है। 3-4 दिन से पेयजल की इतनी किल्लत हो रही है कि पूछो मत, सब परेशान है। और ये ऊपर से इतनी गर्मी। वार्ड नंबर 15 और 21 में 3-4 दिन से पानी का बोरिंग बंद था, जला दिया। कभी कोई चलाता है, कभी कोई चलाता है, इसलिए पानी नहीं आता है। यहाँ कर्मचारी आता नहीं है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। इस वजह से 15 नंबर वार्ड यूसुफ अली पार्षद ने पानी की व्यवस्था की है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद पानी की व्यवस्था करने के लिए। यूसुफ अली।